तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर शिबेरियम से रिलेटेड और शिबाइनू की बर्निंग से रिलेटेड बड़ी अपडेट्स आ चुकी है मार्केट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 24 आवर्स के अंदर शिबा का प्राइस धीरे धीरे हमें डाउन जाता दिखाई दिया, डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पर इसका प्राइस पिछले 7 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट 5% से गिर चुका है। इसी के साथ में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसमें शिबाइनू ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन टोकन्स को मंथली बेसिस पर यहाँ पर बर्न करने वाला है, यानी कि मंथली ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन टोकन्स बर्न किए जाएंगे। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि किस तरह से यहाँ पर शिबेरियम जो है वो एक बड़ा इंपैक्ट प्ले कर रहा है यहाँ पर शिबाइनू की बर्निंग के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ट्रिलियंस में शिबाइनू कॉइन हमें बर्न होते दिखाई देंगे फाइनली, जहाँ पर मिलियंस और बिलियंस का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से यहाँ पर गायब होने वाला है और जल्द से जल्द अब हमें कॉइन्स पूरी तरह से बर्न होते दिखाई देंगे। मंथली बेसिस पर अगर 5 ट्रिलियन टोकन्स भी इस समय पर बर्न हो रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, और इस बड़ी बर्निंग का, इस मैसिव बर्निंग इनिशिएटिव का बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हमें शिबाइनू के प्राइस पर जरूर देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वहां पर भी हम इसी तरह के अपडेट रेगुलर बेसिस पर देते रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट, और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबाइनू की कुछ बड़ी अपडेट्स जिसमें मैसिव बर्निंग इंक्लूडेड है, यानी कि मैसिव लेवल पर हमें बर्निंग देखने को मिलेगी मंथली बेसिस पर। सबसे बड़ी अपडेट है ये जहाँ पर 5 ट्रिलियन टोकन्स मंथली बेसिस पर बर्न किए जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर 2022 के जुलाई से लेकर 2023 के जुलाई तक शिबाइनू कॉइन कितने जीरोस को किल कर चुका है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहली अपडेट की तरफ आ जाते हैं सबसे पहले तो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लूसी नाम की एक कॉन्टेंट मार्केटर है शिबाइनू की टीम की, जहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर ट्वीट कर दिया है और काफी ज्यादा इंगेजमेंट इस ट्वीट को मिल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शिब बर्न रिलेटेड एक बहुत बड़ा ट्वीट किया, जहां पर इन्होंने कंप्लीटली पूरी तरह से यहाँ पर समझा दिया है कि किस तरह से यहाँ पर शिबेरियम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है शिबाइनू की बर्निंग से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फेजेस में हमें बर्निंग देखने को मिलती है। यहाँ पर बेस फी में सबसे पहले दो चीज़ें डिवाइड होती है, पहले तो 70% सप्लाई पूरी तरह से बर्न हो जाती है और जो 30% है वो नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर बेस फी को दो बड़े बड़े यहाँ पर क्राइटेरियाज के लिए यूज़ किया जाता है, और बाद में बोन टोकन्स को स्वैप करके शिबाइनू टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि मैसिव लेवल पर बर्निंग हमें देखने को जाए। यहाँ पर शिबेरियम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर कम्युनिटी की, तो यहाँ पर शिबेरियम नेटवर्क पर हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर यूज केस देखने को मिलता है, जहाँ पर कम्युनिटी भी शिबाइनू की बर्निंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर अपने कॉइन्स को बर्न कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबेरियम के अंदर हमें एक इनिशिएट बर्न का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पर हम खुद अपने टोकन्स को बर्न कर सकते हैं और शिबाइनू की बर्निंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, कम्युनिटी के काफी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो इस समय शिबाइनू की इस बर्निंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मैसिव लेवल पर कॉइंस बर्न कर रहे हैं, और इसी के चलते यहाँ पर शिबाइनू ने एक बड़ा कदम ले लिया है, जहाँ पर शिबाइनू की टीम अब मंथली बेसिस पर ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन टोकन्स को बर्न करने वाली है। तो इतना बड़ा इनिशिएटिव ले चुके हैं यहाँ पर शिबेरियम के बेसिस पर, जहाँ पर शिबेरियम अब जल्द से जल्द शिबाइनू की बर्निंग के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता नजर आएगा। इसी के साथ में अगर हम जून महीने की बात करें, तो यहाँ पर पिछले महीने ही हमें बिलियंस में बर्निंग देखने को मिली, लेकिन काफी सारे इन्वेस्टर्स सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जब बिलियंस और बिलियंस में हमें बर्निंग देखने को मिलती है तो बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हालांकि जब कम्युनिटी की बर्निंग हमें देखने को मिली, ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 मिलियन टोकन्स को जब बर्न किया गया तो ऑलमोस्ट 1800% का सर्ज हमें देखने को मिला था पिछले हफ्ते में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल जून महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन ओवरऑल टोकन्स को 164 ट्रांजेक्शन के अंदर पूरी तरह से डेड वॉलेट्स में ट्रांसफर कर दिया गया, बर्न कर दिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नई अपडेट के हिसाब से जुलाई मंथ से हमें शिबाइनू के इकोसिस्टम में ट्रिलियंस में बर्निंग देखने को मिलेगी, जहां पर बिलियंस का कोई भी आंकड़ा नजर नहीं आएगा, ट्रिलियंस में जब बर्निंग जाएगी तब यहां पर हमें प्राइस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहां पर शिबेरियम एक पूरी तरह से गेम चेंजिंग इंपैक्ट प्ले कर रहा है शिबाइनू की बर्निंग के लिए और इसके इकोसिस्टम को और भी ज्यादा इनोवेटिव बनाने के लिए। इसी के साथ में यहां पर अगर हम 2022 के जुलाई की बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में इन्होंने क्लियरली बताया है कि किस तरह से 2022 के जुलाई मंथ से लेकर 2023 के जुलाई तक शिबाइनू कॉइन कितने जीरोस को डिलीट कर चुका है। तो सवाल का जवाब भी हमें
मिल चुका है जहां पर शिबा इनू कॉइन ने ना तो अपने प्राइस में एक जीरो को डिलीट किया ना ही अपने प्राइस में एक जीरो को इंक्रीज किया है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरे चार्ट के अंदर शिबा इनू की पूरी हिस्ट्री के अंदर जुलाई 2022 से लेकर तो जुलाई 2023 तक हमें 5 जीरोज ही देखने को मिले हैं पिछले 2 साल से, यानी कि जब 2021 के अप्रैल में जब मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया तो यहां पर शिबा इनू कॉइन अपने प्राइस में स्टेबिलिटी दिखाता नजर आ रहा है जहां पर ये कॉइन अपने 5 जीरोज को पिछले 2 सालों से आराम से मेंटेन करके बैठा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं एक समय था जब 2020 में ये कॉइन अपने प्राइस में 10 जीरोज लगाता नजर आ रहा था, लेकिन अब समय आ चुका है जहां पर ये कॉइन स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए केवल 5 जीरोज मेंटेन करके बैठा है और एक्सपेक्टेड है कि जल्द से जल्द ये कॉइन अपने 3 जीरोज को किल करके 1 सेंट तक पहुंच जाएगा और बाद में 1 डॉलर तक भी पहुंच जाए। हालांकि ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 10 से 15 साल का समय लग सकता है इस कॉइन को 1 रुपए तक पहुंचने के लिए, 1 डॉलर तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बर्निंग की और जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर शिबेरियम, शिब द मेटावर्स और शिबैकल्स किस तरह से यहाँ पर शिबा इनू की बर्निंग को सपोर्ट करने वाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स बर्न हो, और यहाँ पर जो 589 ट्रिलियन की सप्लाई पूरी तरह से सर्कुलेशन में आ गई है, बाकी की जो बची हुई सप्लाई है वो पूरी तरह से बर्न हो जाए। यहाँ पर जो 5 ट्रिलियन टोकन्स को मंथली बेसिस पर जो बर्न का इन्होंने प्लान बनाया है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर शिबा इनू की टीम पूरी तरह से इस प्लान को इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ पर इस कॉइन को 1 रुपए जाने से जल्द कोई नहीं रोक सकता है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट शिबा इनू कॉइन से रिलेटेड। होप आपको मेरे इस वीडियो ने शिब से रिलेटेड, शिबेरियम से रिलेटेड करंटली सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही में हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमें प्यार करते रहिए इसी तरह से ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लाते रहे। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।